हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडोरामा चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो पे हम जाने वाले हैं पृथ्वी की गहराई पे। पृथ्वी के गहराई पे हमने क्या क्या बनाया, आर्टिफिशियली और नेचुरली क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या हमने बनाया, मैन्युफैक्चरिंग क्या हमने की है, ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो पे। चलिए दोस्तों, कुछ नया जान लेते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नंबर वन अमेजिंग फैक्ट की ओर। नंबर वन, कैमल थॉर्न रूट्स। जी हाँ दोस्तों, कैमल थॉर्न ये ऐसा एक पेड़ है जिसका जड़ लगभग 30 से 40 मीटर नीचे तक जाता है और मैक्सिमम 60 मीटर्स नीचे तक का दर्ज किया गया है। कैमल थॉर्न सदर्न अफ्रीका में पाया जाता है। कैमल थॉर्न पेड़ का डीप रूट का रीज़न होता है इसका हैबिटेट। बेसिकली ये पेड़ ऐसे रीजन पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की कमी बहुत रहती है, बेसिकली डेजर्टेड एरियाज और रेतीले टाइप के एरियाज में पाए जाते हैं। इस पेड़ का रूट इतना डीप जाकर पानी को अब्जॉर्ब करने में सक्षम है, इसीलिए ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा टफ कंडीशन में जीने के लायक बना हुआ। नंबर टू, द वर्ल्ड्स डीपेस्ट स्विमिंग पूल। दोस्तों, आप कभी ना कभी तो स्विमिंग पूल जाते ही होंगे और एक एवरेज स्विमिंग पूल का जो डेप्थ होता है वो 3 से 4 मीटर का होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं जो स्विमिंग पूल बताने वाला हूँ इसका डेप्थ है 42.15 मीटर का। जी हाँ दोस्तों, 42.15 मीटर का स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल इटली पे है जो बना था 5 जून 2014 को। ये सबसे डीपेस्ट स्विमिंग पूल बताया जा रहा है और रिकॉर्ड किया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और इस स्विमिंग पूल का नाम है द डीप जॉय। नंबर थ्री, द अंडरग्राउंड एंशियंट सिटी। दोस्तों, पुराने समय पे ऐसे काफ़ी चीज़ें बने हैं जो आज भी हमें सरप्राइज करने के लिए काफ़ी है। इन्हीं में से एक चीज़ है द एंशियंट सिटी इन अंडरग्राउंड। देखा जाए दोस्तों, ये अंडरग्राउंड सिटी नाम सुनने में काफ़ी फैंसी लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये 60 मीटर्स नीचे बनाया गया एक सिटी है जिसका नाम है डेरिन क्यू यू अंडरग्राउंड सिटी। जी हाँ दोस्तों, ये नेवसेहिर प्रोविंस टर्की में है और ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट अंडरग्राउंड सिटी है, जिसे एक मल्टी लेवल अंडरग्राउंड सिटी भी कहा जाता है, जो 60 मीटर्स नीचे बना था। नंबर फोर, द डीपेस्ट सबवे स्टेशन। दोस्तों, डे टू डे लाइफ में हम जो मेट्रो स्टेशंस देखते हैं वे लगभग 10 से 12 मीटर नीचे होते हैं, एक एवरेज है। लेकिन दोस्तों, दुनिया का सबसे डीपेस्ट अंडरग्राउंड स्टेशन जो है, जिसे बनाया गया है 109 मीटर नीचे, जिसका नाम है प्योंगयांग मेट्रो स्टेशन जो नॉर्थ कोरिया में है। ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है, 109 मीटर लगभग ये एक हाइट है द ग्रेट पिरामिड गीजा का। नंबर फाइव, द डीपेस्ट गोल्ड माइन। जी हाँ दोस्तों, द डीपेस्ट गोल्ड माइन यानी कि सबसे गहरा सोने का खदान। इस गोल्ड माइन का नाम है टाउटोना गोल्ड माइन। इसे वेस्टर्न डीप नंबर 3 शाफ्ट भी कहते हैं। ये साउथ अफ्रीका में है। इसका जो डेप्थ है ये 4 किलोमीटर है दोस्तों, 4 किलोमीटर डीप गोल्ड माइन। इस गोल्ड माइन का ऑपरेशन 1962 से स्टार्ट हुआ था। दोस्तों, ये गोल्ड माइन इतना डीप है जिसकी वजह से इसके नीचे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। इस टेम्परेचर की वजह से माइनिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है। ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक रीच होता है, जिसकी वजह से नीचे एयर कंडीशनिंग सिस्टम की ज़रूरत होती रहती है। लेकिन दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। अगला हम जो देखने वाले हैं, ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट मैनमेड होल है, मैनमेड वेल है। ये इतना डीप है कि इसका जो बॉटम का टेम्परेचर था ये 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। जी हाँ दोस्तों, नंबर सिक्स, द डीपेस्ट वेल। जी हाँ दोस्तों, द कोला सुपर डीप बोर होल, ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट वेल है, जो 24 मई 1970 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मेन टारगेट ये था कि दुनिया में सबसे डीपेस्ट होल किया जाए, जिससे अर्थ के इनर कोर के बारे में डीप रिसर्च की जा सके। लेकिन 12,262 मीटर्स के बाद में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगी, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने लगी। इसके बाद में इस प्रोजेक्ट को 1992 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का इस वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे और एक वीडियो पे।